अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनय चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। इंधन दरवाढ आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाई विरोधात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे राज्यव्यापी आंदोलन सुरू असून आज जामनेर शहरात देखील इंधन दरवाढी संदर्भात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस जामनेर तालुका यांच्या वतीने सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। तर या सायकल रॅलीमध्ये काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते। कमिटीच्या वतीने देशात हा जो काही महागाईचं आगमन विसरलेलं आहे त्याच्या विरोधात सायकल रॅलीचं आम्ही आयोजन केलेलं होतं। या सायकल रॅलीचा मुख्य उद्देश हा जनतेमध्ये महागाई संदर्भात अवेअरनेस आणणे, जनतेमध्ये महागाई संदर्भामध्ये जागरूकता करणे आणि मोदी सरकारच्या हा जो काय हुकुमशाही पद्धतीचा कारभार चाललेला आहे त्या कारभाराला विरोध करणे हा होता। 2004 ते 2014 जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे भाव प्रचंड होते त्यावेळेला माननीय मनमोहन सिंग यांनी अतिशय योग्य पद्धतीचे सुनियोग्य असं नियोजन करून या देशामध्ये पेट्रोल डिझेलचे भाव जे सामान्य लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कमी ठेवलेले होते। त्यावेळेला आज मोदी सरकारमध्ये कार्यरत असणारी काही मंडळी आहे की त्या 2-3 रुपये जरी पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढले तर ती मंडळी आदरणीय मनमोहन सिंग साहेबांना बांगड्या पाठवायची। मला त्याही मंडळींना विचारायचे की आज मोदी सरकारकडे तुम्ही जेव्हा मनमोहन सिंगांना बांगड्या पाठवायचे तर नरेंद्र मोदी सरकारकडे काय तुम्ही तुमच्या पायाची धुंद्र गाळून ठेवली आहे का? तुमच्या पायातले जोडवे त्यांच्या चरणी अर्पण केलेले आहे का? तुम्ही गव्हर्नमेंटमध्ये असताना महागाईच्या विरोधात वाढणाऱ्या डिझेल पेट्रोल आणि गॅसच्या दरवाढीच्या विरोधात एक शब्दही बोलत नाही। त्यावेळेला 2 रुपये जरी हंडीचे भाव वाढले तरी हंडी घेऊन तुम्ही रोडवर उतरत होते। मग आज तुम्ही डिसिजन मेकिंगमध्ये असताना सुद्धा का त्या विरोधामध्ये त्या कॅबिनेटमध्ये आवाज उठवत नाही आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी डिझेल पेट्रोल आणि गॅसचे दर खाली आणत नाही? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे। भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ऐसी परिस्थिति खराब कर दी है कि देश की जनता आज उनके लिए और हमारी माँ बहनें जो अपना घर संसार चलाती है एक युवा स्कीम के तहत लोगों को गैस मुफ्त में दिया गया लेकिन उसके बाद सब्सिडी बंद कर दी गई और गैस के भाव इतने कर दिए कि 8.5-9 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है और डीजल पेट्रोल और तमाम गैस के और जीवन वस्तु के जो तेल के भाव है वो भी एकदम आसमान को छू रहे हैं। क्यों के मोदी जी का संसार नहीं है, मोदी जी अकेले हैं, उन्हें क्या पता है कि गरीब के घर में क्या लगता है, गरीब के घर में खर्चा कितना बढ़ता है। आज हिंदुस्तान की परिस्थिति खराब है, रोजगार नहीं है, हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए, आज पढ़े लिखे बच्चे हमारे रिक्शा चला रहे हैं और आलू बड़े बेच रहे हैं, कहीं गन्ने का रस बेच रहे हैं। ये आज मोदी सरकार को और अमित शाह को नहीं सूझ रहा है, ये इन्होंने देश का वल्लेवाड़ लगा दिया और मोदी साहब ने और अमित शाह ने अदानी अंबानी भगाने के लिए हर तरह की मदद की और करोड़ों रुपए उनको माफ़ कर दिए गए लेकिन शेतकड़ियों के पैसे माफ़ नहीं किए जा रहे हैं, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जा रहा है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जा रही है। आज हम किसानों को जो 8 महीने से जो धरने के ऊपर बैठे हैं, जो उन्होंने नया कानून लाए हैं उसी कानून जो किसानों के हित में नहीं है, किसानों को जो गुलाम बनाने का कानून है उस कानून को भी अपने हर धर्मी से लागू करने की कोशिश करें। जनता जो देख रही है ये हिंदुस्तान की जनता अगर जब फैसला कर लेंगी तो मोदी सरकार को और बीजेपी को उसका धड़ा सिखाएंगी और हम तमाम हिंदुस्तानियों से भी अनुरोध करते हैं कि आने वाले हर इलेक्शन में भाजपा को करारी शिकर दे और उनको इस सत्ता से बेदखल करे। यही हमारे हिंदुस्तान की शान बान है कि ऐसे चोरों को सत्ता से हटाकर ही हम जो है अपना जो हक छीन सकते हैं। मेरा बोलते हो तो बस यही बात हम कहते हैं कि हमारे अंदर एकजुटी हो, ये
ये जो मोर्चा निकला है साइकिल मोर्चा, ये सिर्फ कांग्रेस के लोगों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता के लिए, जनता के हित में। आज देखो पूरी जनता परेशान है, 110 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, 100 रुपए लीटर डीजल हो गया है और गैस की और तेल की कितनी भरमान हो रही है। शेतकरी का सामान महंगा हो गया है, कहाँ से जो है शेतकरी जिंदा रहेगा, युवक जिंदा रहेगा और हमारे गरीब सामान्य जो इंसान है वो कहाँ तक ये जो है इस महंगाई को झेलेंगे। तो हम सब और खुशन पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि ऐसी सरकार की नाकामयाबी को बार बार मीडिया के अंदर लाए कि मीडिया जो है हिंदुस्तान का एक सतम है, वो के ऊपर सब दारोमदार है। मीडिया ने अगर सही हकीकत जनता के सामने लाए तो हम करीब आने वाले 2024 के इलेक्शन में मोदी सरकार इस हिंदुस्तान से लापता हो जाएंगी और मोदी और अमित शाह जो है अपने गुजरात को सक्षम बनाने में लगे हुए, वो इस भारत की जो जनता को एक धोखे में रखे हुए। इतना कहकर मैं या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।